अभी मैं लेटी हुई थी, व्लॉग नहीं बना रही थी और अभी अभी एकदम से अर्थक्वेक आया। आपको ऊपर दिखाती हूँ कितनी जोर से हमारा ये शैंडलर हिल रहा है, और यहाँ पर भी दिखाती हूँ, कहाँ जाएं, ये देखो कितना जोर से हिल रहा है। एक मिनट आपको क्लियर दिखाती हूँ, अभी मैंने सोचा नहीं था। और अब तो रुक गया ना विवेक, ये अभी भी आ रहा है। मैं लेटी हुई थी तो मुझे लगा कि इतना बेड क्यों हिल रहा है, आपको दिखाती हूँ कितना तेज था। डाला उसमें हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आज तो अर्थक्वेक आया था, किस किस को फील हुआ जरूर बताना, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन हम लोगों को तो काफी फील हुआ। मुझे लगता है जब हम लोग ज्यादा हाइट पे रहते हैं ना तो अर्थक्वेक के जो झटका होता है ना वो ज्यादा फील होता है, तो हमें तो काफी ज्यादा तेज फील हो रहा था। और अब तो मौसम भी एकदम से बदलने लगा है, एकदम से ना ठंडी हवा चलने लगी है, सुबह शाम दोनों बहुत ही अच्छा लगता है। और दोपहर को भी भला की धूप बहुत तेज होती है, लेकिन फिर भी हवा में ठंडक होती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये वाला सीजन ना मुझे बहुत पसंद है, मतलब इसमें ना एकदम फेस्टिवल्स वाली फीलिंग आती है मालूम, मतलब मन मन में अपने आप एक हल्की सी उमंग सी रहती है कि आगे इतने अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, दुर्गा पूजा, दशहरा, उसके बाद दिवाली। तो इस मौसम में, क्योंकि ये मौसम ही इतना अच्छा है तो फेस्टिवल्स भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं, तो अपने आप ही ना बहुत ही पॉजिटिव सा फील होता है, आपको भी होता होगा। आप लोगों ने इस बार क्या क्या सोचा है कपड़े करवा चौथ वगैरह या दिवाली के लिए लेने के लिए, साड़ी वगैरह? इस बार वैसे मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं साड़ी नहीं लूंगी, जो मेरे शादी की ही साड़ी है ना उनमें से कोई निकाल के पहन लूंगी। और वैसे तो अच्छा खासा है मेरे पास पुराना कलेक्शन ही, उसमें से भी निकाल लूंगी तो पुराने में से ही, तो फिर वो भी बिल्कुल नई जैसी लगेंगी। कुछ एक साड़ियाँ तो बिल्कुल ऐसी हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आजकल के फैशन की हैं, तो फिर मुझे लगा कि इस बार खर्चा नहीं करना और पुरानी साड़ी में से ही निकाल के पहनूंगी। लेकिन हाँ, ब्लाउज मैं सोच रही हूँ कुछ डिफरेंट लेने वाली हूँ आजकल, अगर मुझे मिलता है तो, क्योंकि आजकल ना थोड़े लॉन्ग वाले यहाँ तक के जो होते हैं ना ब्लाउज चल रहे हैं, अब मैं देखूंगी मार्केट में मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो मैं सोच रही हूँ वही एक ले लूंगी और फिर उसी से वो गोल्डन कलर में ले लूंगी, फिर वो काफी सारी साड़ी पे चल जाएगा, तो फिर अच्छा है। थोड़ा सा जो नॉर्मल जो होते हैं हम लोग जो ब्लाउज पहनते हैं साड़ी वाले, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो साड़ी की भी लुक चेंज हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास जो साड़ियां हैं ना उनके जो ब्लाउज है वो उसी वक्त के सिले हुए जब मेरी शादी हुई थी, और शादी के वक्त तो मैं हद से ज्यादा स्लिम थी, मतलब बहुत ही ज्यादा इतनी सी थी, और अब इतनी हो गई हूँ। तो उससे क्या होता है कि अब मैं अगर उन्हें सोचती हूँ कि उन्हें ऑल्टर करवा लूँ, उनको ठीक करा लूँ, तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो मार्जिन था ना वो भी लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं दिया जा सकता है। तो वो अगर उनको लूज भी कराया जाएगा ना, उस मार्जिन के हिसाब से भी वो मेरे जैसे साइज के नहीं बन पाएंगे, इसलिए फिर कोई फायदा नहीं है उन ब्लाउज को ठीक कराने का। फिर मुझे लगा कि एक ऐसा ही ब्लाउज ले लेती हूँ गोल्डन कलर में, जो कि मेरी सारी अधिकतर साड़ियों पे चल जाए, क्योंकि ये जितनी भी फेस्टिवल सीजन की साड़ियाँ होती है वेडिंग की या पार्टी वगैरह की, इसमें कहीं ना कहीं गोल्डन वर्क होता है, और गोल्डन जो ब्लाउज होते हैं वो फिर हर किसी के साथ मैच कर जाते हैं। तो अगर मैंने ब्लाउज लिया तो फिर मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैंने कैसा ब्लाउज लिया। और फिर जैसे मैंने आपको बताया ही था कि मैंने शॉपिंग की है अपनी जो किचन के से रिलेटेड होती है, तो उसमें मैंने दो चीजें ली हैं और दोनों ही बहुत ही काम की चीजें। और आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी वाली चीज ज्यादा अच्छी लगी। तो फिर ज्यादा बात नहीं करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैंने लिए एक तो ये कढ़ाई, और ये देखो मैंने तो ये लोकल मार्केट से ली है, जो रुड़की है, रुड़की में एक बर्तनों का स्टोर है, उसका नाम है मुरादाबाद बर्तन स्टोर, तो वहां से मैंने ली है। उससे मैंने पहले भी एक दो बर्तन लिए हैं, तो मुझे वो शॉप बहुत अच्छी लगती है। सबसे अच्छी बात उस शॉप की है कि उसपे हर चीज मिल जाएगी, मतलब आप छोटी से छोटी चीज मांगेंगे किचन से रिलेटेड वो होगी, बड़ी से बड़ी होगी, तो मतलब वहां आप बिल्कुल अच्छे से सोच के जाएंगे ना मुझे ये वाली चीज चाहिए, तो आपको वो मिल जानी है। तो इसीलिए मुझे ये मिला। और मुझे पता है, मैंने आपको बताया मेरे पास विनोद का प्रेशर कुकर प्लस कढ़ाई दोनों है, लेकिन अब मैंने विनोद की एक कढ़ाई और ले ली है, और ये है स्टील की कढ़ाई जिसकी मुझे इतने दिनों से तलाश थी। अब मैं नॉनस्टिक कम से कम यूज करूंगी, अब ये तो नहीं कह सकती बंद करूंगी, अब वो है यूज तो करना ही पड़ेगा,
ऐसा नहीं है कि मैं उस नॉनस्टिक को छोड़ दूंगी, लेकिन अब ज्यादातर मैं इसी को निकाला किया करूंगी। और अभी पहले मैं इसको दिखा देती हूँ, फिर इसका प्राइस वगैरह आपको बताऊंगी। काफी हैवी है ये कढ़ाई, बहुत ही हैवी, तो इसमें फिर जलने का भी इतना वो नहीं है कि कोई बर्तन वगैरह खाना वगैरह जो है वो जलेगा। तो ये कुछ ऐसी है, बहुत ही गहरी है ये ऐसी, और अच्छा खासा इसका ये नीचे से ना, ये भी बहुत हैवी है इसका, और अच्छी स्टील है। और विनोद के बर्तन तो आपको पता ही है कि कितने अच्छे होते हैं, 5 ईयर्स की इसकी वारंटी है, और ये इंडक्शन वगैरह पर भी चल जाएगा क्योंकि प्लेन है ना इसका नीचे से सरफेस, तो ये ऐसे बर्तन ना इंडक्शन पर भी चलते हैं। और स्टील के ही हैंडल हैं इसके, और अच्छे खासे हैं ये, बिल्कुल इस तरीके से एकदम टाइट है, ये निकलेंगे भी नहीं। और इसके साथ फिर एक ये इसका लिड भी आया हुआ है, इसको आप कवर कर सकते हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी इसकी, खाना बनाते वक्त इससे कवर कर लो। पहले की कढ़ाइयों में नहीं आते थे ना ऐसे, अब ज्यादातर कढ़ाई में आने लगे हैं। और ये जो है मैं बताती हूँ ये कितने लीटर की कढ़ाई है, ये 3.3 लीटर की कढ़ाई है, और इसका जो प्राइस है जैसा इस पे उन्होंने लिखा हुआ है, और वो है इस पे लिखा है 3,270, लेकिन ये उसने मुझे कितने की दी है, उन्होंने दी है ये हमें 2,800 की, और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इस पर इन्होंने वेबसाइट भी लिखी हुई है वैसे तो vinodcookware.com, इस पर देख लेना, मुझे नहीं पता कि इस पर सामान मिलता है नहीं, हो सकता है आपको ऑनलाइन भी मिल जाए, तो फिर आप चेक कर सकते हैं विनोद की इस तरीके की 3.3 लीटर की कढ़ाई स्टील की, तो अगर आपको मिलती है तो आप मंगा सकते हैं। बाकी मैं इसको यूज करूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि रिव्यू दूंगी इसका कि कैसे लगी। और दूसरी चीज कढ़ाई बताइएगा कैसी लगी पहले तो। और दूसरी चीज है एक ये वाला स्टैंड, ये भी मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, मैंने ये ऑनलाइन भी देखा था, तो ऑनलाइन इतना अच्छा नहीं मिल रहा था, इतनी अच्छी स्टील का, और अच्छा खासा हैवी है स्टील, देखिए इसकी आपको देख के पता चल रहा होगा कितनी अच्छी है। और नीचे इसके इस तरीके के ये हैं प्लास्टिक के, इसके नीचे स्टैंड लगे हुए हैं ताकि ये अगर हम इधर उधर खिसकाएं तो शायद आवाज ना आए, नहीं तो आवाज आती है ना अगर हम किसी स्टील को ऐसे खिसकाते हैं लोहा या स्टील। और इसके अंदर यहाँ पर आप इसको, यहाँ ये हुक दे रखे हैं, आप चाहे तो इसको वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगी क्योंकि जब इसकी सफाई कभी करनी होगी तो आसान यही रहेगा कि ये नीचे ही रखा हुआ हो, तो इसको जैसे हटाओ और फिर इसको आराम से सिंक के अंदर ले जाके वॉश कर लो, इसलिए मैं इसे वॉल पे नहीं रखने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि इसे वॉल पे लगा लो, पर मैंने कहा नहीं। और मैंने फिर क्या किया, मैंने जब ऑनलाइन देखा तो काफी महंगे महंगे मुझे ये मिल रहे थे और अच्छी स्टील भी नहीं लग रही थी देखने में, फिर मेरे को ये मिला है मुझे 670 का, और 600 की रेंज में फिर मुझको एक मेटल का मिल रहा था ऐसा ही एक स्टैंड ऑनलाइन, तो मैंने वो सेव करके रखा हुआ था कि अगर मुझे मार्केट में नहीं मिलता है तो फिर मैं ये वाला वो वाला ले लूंगी, ये नहीं मिलता है तो फिर जब मैंने इसको देखा फिर मुझे लगा कि वो चीज़ कैंसिल कर देती हूँ और मैं यही ले लेती हूँ, और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। एक तो कॉर्नर में भी होगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जहाँ पर मेरी टेबल है मैंने आपको बता ही रखा है कि मैंने कॉर्नर में वो जो टेबल रखी हुई है तो उसको मैं अब हटा दूंगी और उसकी जगह मैं इसको ये रख लूंगी, इस पर भी काफ़ी स्पेस है जैसे, तो सब सामान आ जाएगा, यहाँ मेरा स्पाइस बॉक्स आ जाएगा और इधर मेरे जो कंटेनर्स हैं ऑयल वाले ये सब आ जाएंगे, तो वहाँ जो ये एकदम कॉर्नर में होगा तो जैसे वो स्पेस उस पर लग रहा है तो शायद मेरा स्पेस बच जाए। अब जैसे मैं अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करूंगी, जो चेंजेस करूंगी वो आपको दिखाऊंगी, अभी तो मेरी जो किचन है ना वो बिल्कुल ऐसे ही अस्त व्यस्त हो रखी है, क्योंकि अब मुझे शुरू करनी है डीप क्लीनिंग अपनी दिवाली की, और मैं सोच रही हूँ इस बार जल्दी शुरू कर दूँ, मतलब आजकल से ही अपने घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना शॉपिंग वाला टाइम आ जाता है और जितना हम डिले करते हैं फिर शॉपिंग उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इस बार ये सोचा है कि पहले किचन का मैंने आपको बताया भी था, जिसने मेरी लास्ट ईयर वाली क्लीनिंग देखी होगी दिवाली वाली, तो मैंने बताया था मैं स्टार्टिंग किचन से ही करती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो किचन की क्लीनिंग में लगता है, और अगर हम स्टार्टिंग से ही मतलब सबसे पहले दिन से ही अगर किचन की क्लीनिंग कर देते हैं तो फिर हमें इतनी थकान नहीं होती है, क्योंकि फिर धीरे 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 सारे घर की जब हम सफाई करते हैं ना और लास्ट में फिर अगर हम किचन की करें तो हम लोग इतना थक जाते हैं ना डेली डेली सफाई करते हुए कि किचन की सफाई करते हुए फिर हिम्मत नहीं होती है। और वैसे भी आगे नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रे से पहले ही मैं सोच रही हूँ कि मेरी किचन साफ हो, और फिर साफ किचन में ही काम करने का मजा आता है, पूजा करने का मजा आता है, तो फिर मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी और उसके बाद फिर वही है
बेडरूम और फिर लिविंग रूम ऐसे करके, तो जल्दी काम हो जाएगा। तो बस यही काम मुझे शुरू करने। आप लोगों ने सफाई शुरू कर दी है क्या दिवाली की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कर दी है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जल्दी निपटने वाले हो। लेकिन मैंने नहीं किया, मुझे खुद एक टेंशन सी हो रही है। दिवाली जैसे ही पास में आती है ना, आने वाली होती है, एक टेंशन ये डीप क्लीनिंग की भी होती है, क्योंकि जब तक ये काम नहीं खत्म होता ना, दूसरों के घरों में देखो, अरे उन्होंने भी शुरू कर दी सफाई, उनके घर में व्हाइट वॉश हो रहा है, उनके घर में कलर हो रहा है, उनकी भी सफाई शुरू हो गई, हम रह गए हैं, तो ये भी बहुत टेंशन है। अब ये टेंशन बस एक बार है, किचन एक बार साफ हो जाएगी ना, तो फिर एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि किचन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और सबसे ज्यादा थकते भी किचन को साफ करने में ये। तो अब बस सबसे पहले जब मेरी किचन साफ हो जाएगी ना, मेरी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। बाकी की क्लीनिंग तो मैं कर ही लूंगी, और कहीं ना कहीं फिर मैं अपने हस्बैंड से भी हेल्प ले लूंगी, वो भी मेरी मदद करा देंगे, और फिर बस जल्दी से टेंशन फ्री होना चाहती हूँ। इस बार तो यही सोच रखा है कि मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे घर की क्लीनिंग सब कुछ एक हफ्ते के अंदर अंदर करना है, फिर आराम से अपने घर को डेकोरेट करना है, मतलब शॉपिंग करनी है डेकोरेशन से रिलेटेड, तो फिर बहुत मजा आने वाला है। तो बस अब यहीं पे करती हूँ अपने वीडियो का एंड। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, शॉपिंग अच्छी लगी हो तो ये भी कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी, कैसा लगी मेरी कढ़ाई, कैसा लगा ये स्टैंड। अब जब मैं सेट करूंगी ना, ऑर्गेनाइज करूंगी अपने किचन को, तो आपको जरूर दिखाऊंगी। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।